एक्वास्टार नहीं है क्या? घर या ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। नमस्कार नुजाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर, और हमारे साथ जो है डॉक्टर शोभिका श्री मैम है, जिन्होंने हमारे अंडमान निकोबार का नाम जो है रोशन किया। हाल ही में आपने देखा होगा केबीसी में जो है इन्हें चुना गया था, और हमारे जो अमिताभ जी है उनके सामने काफ़ी प्रश्नों का जो है इन्होंने उत्तर दिया, और सिर्फ वो ही नहीं हुआ और इसके साथ साथ हमारे द्वीप समूह का कहीं ना कहीं जो है इसमें नाम भी रोशन हुआ है। क्योंकि देखिए, एक छोटा सा हमारा यूटी है और यहाँ से कोई भी युद्ध या कोई भी यहाँ से निकल कर जो है बाहर जाकर हमारे द्वीप समूह का अगर नाम रोशन करता है तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो इस विषय में मैम जो है आज मुख्य भूमि से यहाँ पर आई है, तो इनसे हम दो शब्द जानेंगे। और जो है इन्हें राशन रसीद फाउंडेशन द्वारा जो है फेलिसिटेट भी किया गया, तो सर भी हमारे साथ है जो राशन रसीद फाउंडेशन के डायरेक्टर साहब है। तो सबसे पहले मैम से हम दो शब्द जानते हैं इसके बारे में। आइए मैम जी। केबीसी में जाना बहुत ही बड़ा एक सपना था, जो सभी का सपना होता है। बचपन से सारे टीवी में देखते ही आए केबीसी, और जब ये मौका मिला, और सिर्फ वहाँ फास्टेस्ट फिंगर नहीं, हॉट सीट तक भी जाने का मौका मिला, और उससे भी बड़ी बात, मैं अंडमान निकोबार की एक रेसिडेंट बन के वहाँ को, अंडमान निकोबार को उस बड़े से नेशनल प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाई, तो इससे ज़्यादा प्राउड वाली कोई फीलिंग नहीं है। मैम ये बताइए ना, कैसे इसका शुरुआत हुआ, इसका बिगनिंग हुआ कैसे? देखिए, एक छोटे से यूटी में हम रहते हैं और काफ़ी लोगों को जो है ऐसा लग रहा है कि जैसा अंडमान निकोबार जो है काफ़ी एक रिमोट आइलैंड है, लेकिन यहाँ से जब निकल कर बच्चे बाहर जाते हैं या यूथ बाहर जाते हैं और हमारे द्वीप समूह का जब नाम रोशन करते हैं तो हमें भी काफ़ी खुशी होती है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई मैम, थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ती हूँ, तो उस वजह से मेरी करंट अफेयर्स थोड़ी सी ठीक थी। तो जब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई थी तो मैंने देखा, तो क्वेश्चंस मेरे को लगा ये सब तो आता वाला क्वेश्चन है, ये आंसर करके ट्राई कर लेती हूँ। तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड उसका रजिस्ट्रेशन से ही होता है, तो वो मेरा क्लियर हो गया था। सेकेंड राउंड उसमें कॉल का होता है, जिसमें कॉल में एक IVR कॉल आता है जिसमें वो 3 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछते, तो वो भी मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद ऑडिशन हुई थी, वो मेरा दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली में ऑडिशन फर्स्ट राउंड जो है वो रिटन एग्ज़ाम होता है, जिसमें MCQ, स्पोर्ट्स, साइंस, हिस्ट्री, सारी चीज़ें रिलेटेड होती है। फिर उसमें से भी जो शॉर्टलिस्ट होता है उनका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में वो मेरे बारे में पूछे पर्सनल, जैसे मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो अंडमान निकोबार के काफ़ी कुछ कि अनएक्सप्लोर्ड जगह कौन कौन से, जैसे हैवलॉक है, नील आइलैंड है, ये बाहर के लोगों को पता है, लेकिन मैंने जैसे रॉसन स्मिथ आइलैंड के बारे में बताया, एविस आइलैंड के बारे में बताया, क्योंकि मैं यहाँ की हूँ तो मेरे को ऐसे आइलैंड्स के बारे में पता है जो बाहर के लोगों को नहीं पता है। तो वो बहुत ही खुश हुए। फिर मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछे, मेरे फैमिली के बारे में पूछे, तो ये इंटरव्यू हुआ। फिर जुलाई मिड के आसपास मेरे को कॉल आया था कि आप फाइनल राउंड ऑफ कौन बनेगा करोड़पति के लिए सेलेक्ट हो चुके हो। मैम और एक प्रश्न है मैम, देखिए सदियों के जो महानायक है अमिताभ जी के साथ आपने हॉट सीट जो शेयर किया, और काफ़ी हमें भी देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि हमारी एक बहन जो बाहर जाकर हमारे द्वीप समूह का नाम जो है रोशन कर रही है, तो उनके साथ आपकी क्या बातचीत हुई, और इस विषय को लेकर आप हमारे आइलैंडर्स को, क्योंकि काफ़ी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, काफ़ी यूथ देख रहे हैं, तो उनके
के लिए कोई संदेश? अमिताभ बच्चन सर को बस टीवी में, थिएटर्स में देखा था, रियल में देखना बहुत ही ऐसे लग रहा था ड्रीम है। कब फर्स्ट डे तो लग ही नहीं रहा था कि रियल भी है या क्या चीज़ है। लेकिन जिस टाइम मैं हॉट सीट में आई तो एक तो वो इतने अच्छे होस्ट है, इतने सिंपल, इतने हम्बल है, बहुत कंफर्टेबल बना देते, ऐसे डर नहीं लगता कि इतने बड़े सेलिब्रिटी या सुपरस्टार के सामने आप बैठे हो। और सबसे पहला तो उनका स्टेटमेंट यही था कि आप इतने खूबसूरत अंडमान निकोबार आइलैंड से आ रहे हो। फिर उन्होंने पूछा, काफ़ी चीज़ें जो टीवी में भी नहीं दिखाए थे लेकिन काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, उनको बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी यहाँ के ट्राइब्स के बारे में, वो सारी चीज़ें जो गलत फहमियाँ थी वो मैंने क्लियर करवाया कि नहीं ऐसी नहीं हो, बाहर के लोगों को ये थोड़ी सी गलत फहमी है, फिर काला पानी क्यों बोला जाता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद भी आ चुके हैं अंडमान, और फिर हमने भी बोला कि सर एक और बार आइए, आपके काफ़ी सारे फैंस हैं वहाँ पर, तो आप फिर से ज़रूर आइए अंडमान। तो हमारे यूथ्स के लिए कोई संदेश मैम? मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जब हम रहते हैं तो थोड़ा से हम हेजिटेंट हो जाते हैं, कि कोशिश भी नहीं करते, उससे पहले हार मान जाते हैं कि शायद इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हमें जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि टीवी में तो मैं भी बचपन से देखती आई हूँ लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं ट्राई करूँगी या जाऊँगी भी कभी। लेकिन मैं यही बोलूँगी ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, तो कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप यूज़ करिए। और यूथ को मैं यही बोलूँगी कि कोशिश करते रहना चाहिए, बिना कोशिश करे हार नहीं मानना चाहिए। थैंक यू मैम। देखिए जितने भी 90s के यूथ्स हैं उन सभी का ये जो है सपना है, और हम लोग जो है इसे टीवी पर ही देखते हैं, और आपने जो इस सपनों को पूरा किया है तो कहीं ना कहीं हमारे द्वीप समूह के लोग भी काफ़ी खुश है। क्योंकि जब कौन बने करोड़पति में आपने पार्टिसिपेट किया, वो शो जो ऑन एयर हुआ था, मैं आपको बता दूं काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लोग जो अपनी खुशी जो है जाहिर कर रहे थे काफ़ी लोग, और इस बात को लेकर हमें भी काफ़ी खुशी मिली। क्योंकि न्यूज़ अब तक के द्वारा हम आपके पास आए, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। देखिए एक डॉक्टर होने के बावजूद भी आपने जो है कौन बने या करोड़पति में आपने भाग लिया, और इतना मतलब आपका जो काम है इतना स्ट्रेस रहता है, लोगों से आप काफ़ी मतलब परेशान हो जाते हो, उसके बावजूद भी आपने अपना समय निकाल के जो है आपने अपना हॉबी को चुना और जाकर जो है अंडमान निकोबार का नाम रोशन किया। इसके लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया, न्यूज़ आप तक की तरफ से आपको हम सलाम करते हैं। तो इसी विषय को लेकर राशन रहित फाउंडेशन के डायरेक्टर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और इनसे भी दो शब्द हम जानते हैं। नमस्कार रोहित जी, ये बहुत ही खुशी का बात है। राशन रशीद फाउंडेशन फैमिली की ओर से डॉक्टर शोभिका श्री जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने हमारे अंडमान का जो नाम है वो एक ना ही एक नेशनल स्टेज पे बल्कि KBC तो इतना पॉपुलर शो है कि वो पूरा वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। हमारे भारतीय बहुत सारे लोग फॉरेन में भी सेटल है और फॉरनर्स भी देखते हैं, तो हमारा ये छोटा सा जो द्वीप है इसका जो नाम है ये पूरा विश्व भर में विख्यात हो चुका है डॉक्टर शोभिका श्री के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राशन रशीद फाउंडेशन, हमेशा ही हमारे जो द्वीपवासी हैं और डॉक्टर शोभिका श्री भी हमारे द्वीपों से ही हैं, हमारे द्वीपों की हैं, तो बहुत बहुत बधाई उनको। और आगे भी ऐसे लोग जैसा मैडम ने कहा बताया कि कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है, या हरिवंश राय बच्चन जी का भी एक कोट है, तो हमेशा कोशिश करते रहिए। आज शोभिका श्री जी ने एक राह दिखाया है, इसको लेकर आप भी मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। नॉट ओनली KBC, हर एक क्षेत्र में हम अंडमान के लोग किसी से भी पीछे नहीं है। भले ही हमारे पास थोड़ा रिसोर्सेस कम है लेकिन ये कोई वजह नहीं हो सकता मेहनत कम करने का, तो हमेशा कोशिश करते रहिए। एक बार फिर अंत में डॉक्टर शोभिका श्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।